अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज साद फ्रॉम जी एम टेक। उम्मीद करता हूँ आप सब कैरियर से होंगे। तो सो आज की जो वीडियो मेरे पास पोको M3 मोबाइल फोन यूज़ में अवेलेबल है, तो आज मैं आपको इसकी जो मार्केट प्राइस चल रही है 2022 में वो बताऊंगा। तो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें और रिंग बेल आइकन को प्रेस कर लें। कंप्लीट बॉक्स में सेट मेरे पास ये अवेलेबल है, ब्लू कूल ब्लू कलर है, 4 GB की रैम है, 128 GB की स्टोरेज है। बॉक्स भी आपको चेक कराऊंगा, प्राइस भी जो है आपको बीच में बताऊंगा। तो काइंडली आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, बाद में आप कमेंट करके प्राइस पूछ रहे होते हैं तो वीडियो में आपको मैं प्राइस बताऊंगा। कोशिश करूंगा शॉर्ट ही वीडियो बनाऊं। तो वारंटी जो है इसकी ख़त्म हो चुकी है, वारंटी इसकी नहीं है, डिमांड आ रही थी पोको M3 के हवाले से, तो ये सेट मेरे पास अवेलेबल है। कंडीशन इसकी आप कह लें 9/10 कंडीशन है। जो इसकी जो कैमरे वाली जगह इस पर हल्के हल्के स्क्रैचेस नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि पाउच में ये जगह कवर नहीं होती बाज़ औक़ात। बाकी जो है इसकी बैक बिल्कुल साफ़ है, किसी किस्म के आपको निशान वगैरह नहीं मिलेंगे। ओरिजिनल फ़ोन है, ओपन सेट नहीं है। साइड माउंटेड आपको जो है फिंगरप्रिंट मिल जाएगा आपको। 6000 mAh की बैटरी मिलती है इसमें आपको, 18 W फास्ट चार्जिंग के साथ सपोर्ट करता है ये। फ्रंट स्क्रीन जैसे कि आप देख रहे हैं, स्क्रीन बिल्कुल साफ है, किसी किस्म के आपको निशान वगैरह जो है स्क्रीन पे नहीं मिलेंगे। स्क्रीन की जो कंडीशन है 10/10 कंडीशन है। और डुअल स्पीकर आपको मिल जाता है ऊपर और नीचे, यहाँ पे टाइप सी आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ, मैंने अपना लगाया हुआ है इस वक्त, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। 6000 mAh की इसकी जो है बैटरी है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है 18 W के चार्जर के साथ। बाकी अबाउट में आपको मैं डिटेल से आके चेक भी करवा देता हूँ। 128 GB की स्टोरेज है, 4 GB प्लस 2 GB की रैम मिल जाएगी आपको। एंड्रॉयड वर्जन जो है इसका 11 पे अपडेट है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। बैक साइड पे आपको इसमें ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाएगा, 48 MP मिलता है वाइड एंगल के साथ, प्लस 2 MP मिल जाएगा आपको मैक्रो कैमरा, और प्लस 2 जो है इसमें आपको डेप्थ सेंसर मिल जाएगा। और फ्रंट इसमें आपको सिंगल कैमरा मिल जाता है 8 MP का। डिमांड जो है इसकी बताना चाहूँगा, 22,000 रुपये इसकी डिमांड है। जो भी कस्टमर परचेज करना चाहते हैं उससे रब्ता कर सकते हैं। बाकी डिस्प्ले इसमें आपको IPS डिस्प्ले मिल जाता है, फुल HD प्लस आपको इसमें रेजोलेशन मिलते हैं 395 PPI के साथ। जो जो ऑप्शन आ रही है वो भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। और कैमरे में जो जो ऑप्शन आ रही है वो भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। कैमरे में आपको जो है वीडियो की ऑप्शन मिल जाएगी, यहाँ से वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। फोटो की में ऑप्शन मिल जाएगी, पोर्ट्रेट की ऑप्शन मिल जाएगी। वीडियो जो है आप 1080p रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS के साथ, जैसे कि ऊपर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। मोर में आएंगे तो आपके सामने 48 MP कैमरे की ऑप्शन मिल जाती है अलग से। कुछ पिक्चर्स वगैरह लिए हैं वो भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। बैक कैमरे का रिजल्ट इसका बेहतर, काफ़ी रिजल्ट है इसका। फ्रंट कैमरे से भी पिक्चर्स ली हुई है, बैक कैमरे से भी ली हुई है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं फ्रंट कैमरे की पिक्चर है, फ्रंट इसका 8 MP का कैमरा है। ये इसका बैक कैमरे का पोर्ट्रेट मोड का रिजल्ट है। ये मैं ब्राइटनेस ज़्यादा कर देता हूँ ताकि आपको सही नज़र आ जाए। ये पोर्ट्रेट के बगैर पिक्चर ली हुई है। तो बैक कैमरे का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है इसका। अगर आप फ्रंट कैमरे से बात करते हैं, फ्रंट कैमरा भी जो है 8 MP की बात करें तो वो भी बेहतर है इसमें आपको। और जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो मोबाइल फ़ोन्स की कीमत है न्यू की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है डॉलर की वजह से, डॉलर रेट ऊपर जा रहा है, जिसकी वजह से मोबाइल जो हैं वो भी कीमतों में इजाफा हो रहा है उनका, जिसकी वजह से यूज़ के मोबाइल जो है वो भी उनमें भी इजाफा हो रहा है। इसकी जो है बैटरी 6000 mAh बैटरी है, काफ़ी अच्छी बैटरी भी मिल जाएगी इसमें आपको। प्राइस मैंने आपको जो है इसकी बता दी है। बाकी काफ़ी अच्छी कंडीशन में फ़ोन है इस वक्त। ये जो जो इसमें ऑप्शन आ रही हैं डिस्प्ले में वो आपको मैं चेक करवा देता हूँ। डार्क मोड वगैरह की ऑप्शन मिल जाती है इसमें आपको ज़्यादा। बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। बॉक्स आपको मैं चेक करवा देता हूँ। बॉक्स में आपको जो है चार्जर मिल जाएगा, वारंटी जो है इसकी ख़त्म हो चुकी है, वारंटी एक्सपायर है इसकी। MI का आपको ओरिजिनल चार्जर मिल जाएगा आपको, ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और टाइप सी आपको जो है केबल मिल जाती है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है अभी, तो इतना चार्जिंग भी इशू नहीं आएगा। और कंडीशन भी जो है इसकी तकरीबन 9/10 कंडीशन है फ़ोन की। तो अगर जो भी कस्टमर परचेज़ करना चाहते हैं मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम का जो लिंक है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग GM Tech।